किसी ने देखी है ना खाई है ये केले की बर्फी। तो दोस्तों मैं फिर उपस्थित हुई दादी माँ की रसोई में नई रेसिपी लेकर। देखिए जो मैंने केले लिए हैं, केले की रेसिपी बना रही हूँ। आप देखिए ऐसे केले खराब हो जा नहीं है, जो लोग अपन समझते हैं खराब हो गए अपन फेंक देते हैं, कोई खाता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं खाते। अगर ऐसे भी केले हों तो अपन इसकी भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने जो केले लिए हैं ये देखिए ये केले, क्योंकि मेरे पास एक ही केला था ऐसा, अगर ज़्यादा भी हो तो इसी की भी बन जाती है। जो मैंने केले लिए अब मैं इसकी रेसिपी बनाना बता रही हूँ। जो मैंने देखिए हमने बादाम और काजू को मैश कर लिया है, जैसे लिए छन्नी से कबूला लिया है, जो इलायची पाउडर लिया है, क्योंकि केले खाने के बाद इलायची खाने से केला हजम हो जाता है, इसमें डाल देते हैं। ये पीस भी शक्कर लिए। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, इसकी सहायता से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए इन्होंने केले के छिलके निकाल लिए हैं, आप देख सकते हो इन्होंने एक फॉक की सहायता से इसको मैश कर रही है। आप चम्मच ले लो, जो आपको लगता है आप ले सकते हो। चम्मच घी लिया है, ये गर्म हो गया है, ये मिक्स जो मैंने अभी मिक्स कर लिए थे, ये केले लिए हैं, ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए ये हमने केले को मैश कर दिया था, जिसको हम घी में अच्छे से मैश करके भून रहे हैं। आपको इसको हिलाते रहना है, क्योंकि जब चिपकने का डर होता है कि चिपक ना जाए, तो ये घी जब तक नहीं छोड़ा तब तक आपको इसको हिलाते रहना है। आप इस वीडियो में देख सकते हो। देखिए ये जो केले का जो हम मैश हमने करा है, ये हल्का सा आपको ब्राउन दिख रहा होगा। तो अभी हम इसमें 3 चम्मच शक्कर डालेंगे पीसी हुई। देखिए आप अगर आपको लगता है कि चीनी आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि केला वैसे ही मीठा होता है। तो हमने तो सिर्फ चीनी 2 चम्मच ली है। देखिए अब ये हमने इलायची ली है, और ये इलायची हम इसमें डाल रहे हैं, जिससे ये स्वाद भी बढ़ा देती है और हजम भी कर लेती है। ये आप देख सकते हो केले के खाने के बाद इलायची खाई जाती है, जिससे कि वो केले को हजम कर देती है। इसमें डाल भी दी है मैंने, ये हजमा भी करेगी। वो है ये क्या नारियल, नारियल बूरा। तो नारियल बूरा कितना डालना है? स्वाद के लिए डालना है, मैंने डाला है आधी चम्मच। अगर हमारे नारियल बूरा नहीं है इमरजेंसी में नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं डालो। देखिए इन्होंने नारियल का बूरा भी डाल दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको उन्होंने मैश कर लिया था, तो अब उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए है। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए इन्होंने केले का जो उन्होंने कढ़ाई में अभी बताया था, इन्होंने एक प्लेट में उसको रख दिया है, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने गोल आकर दे दिया है। ये बनी है, ये देखिए आप देख सकते हैं उन्होंने काजू बादाम को मैश करके ऊपर से सजा दिया है, और ये हमारी केले की बर्फी बन चुकी है। आप चाहो तो केले की बर्फी को आप कोई भी शेप दे सकते हो, लड्डू का भी शेप दे सकते हो। देखिए ये अभी गर्म है, तो हम इसको थोड़ी देर थोड़ी ज़्यादा 5-10 मिनट के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसको शेप देंगे। देखिए दोस्तों अब हमारी ये जो चीज़ आप देख रहे हो बड़ी स्पेशल दिख रही है, अब हम इसे शेप देंगे। आप कोई भी आकार से इसको काट सकते हो। ये हमारी केले की बर्फी है, जो सबके घर में मिल जाती है, आराम से केले मिल जाते हैं। ये देखिए इसका शेप कितना अच्छा कटा है, बिल्कुल काजू कतली का शेप दिया है। ये देखिए दोस्तों इन्होंने काजू कतली के जैसा शेप करा है, और आप देख सकते हो उनके हाथ में है। अब हम आपको तोड़ के भी दिखा सकते हैं, ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए जब ये दिखने में इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी स्वाद होगी। तो आप ये देख सकते हो ये रेसिपी बहुत इजी है, जो अनेवेबल है होती है सबके घर में चीज़ें, शक्कर चीनी सबके घर में होती है, और ये बहुत आसानी से बन जाती है। ना किसी ने देखी है ना खाई है ये केले की बर्फी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए। देखिए ये केले की नई रेसिपी है, और जैसे केले हमारे रहते हैं तो केले घर में आते ही है, सब किया रहते ही है, और कभी बच्चे खाते नहीं हैं।
देखिए आपने देखा होगा केले उसकी उसकी ऊपर से काली हो जाती तो लोग उसको फेंक देते हैं कि अरे बहुत गुलगुला हो गया है, फेंक देते हैं। आप उसका छिलका निकाल लीजिए और देख लीजिए, अगर वो ख़राब है तो ही फेंके, वरना वो ख़राब नहीं होते, वो गल जाते हैं। आप उसको यूज़ के लिए ले सकते हो। तो ये बहुत शानदार मिठाई बनी है केले की, और ये आप चाहो तो उपास में भी खा सकते हो। तो ये आपको कैसी लगी है आप हमें ये कमेंट्स करके पूछिए, तो हम आपको फिर से एक बार और हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये दादी माँ की रसोई अगर आपको बहुत पसंद आ रही है तो आप हमें बहुत सारे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। हम आपको ऐसे ही, आज हमने आपको केले की दिखाई है, ऐसे हम कई फ्रूट्स की भी हम आपको रेसिपियाँ बना बना के भेजेंगे। और आप प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय।